बीच मानसून 2023 की लाइव अपडेट, मध्य प्रदेश के इन जिलों में झमाझम मानसून की एंट्री। दोस्त स्वागत है आपका हमारे टीम न्यूज चैनल में और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त कुलदीप पांडे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश मानसून 2023 की लाइव अपडेट के विषय में। क्या आपकी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह का अपडेट न्यूज़ सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज़ आप तक तुरंत पहुँच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सके। आइए बढ़ते हैं अपडेट की ओर, जान लेते हैं पूरी अपडेट को विस्तार से। दोस्तों मध्य प्रदेश में तूफान का असर देखने को मिलेगा। तूफान बिपरजॉय की रफ्तार कम हो गई है, इसका असर आधे से अधिक देशों में देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश में भी मौसम बदलने के आसार नजर आ रहे हैं। 21 जिलों में 3 दिन का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं तेज और गर्म हवा चलने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के किन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें भोपाल जबलपुर निवाड़ी टीकमगढ़ बालाघाट सिवनी और रतलाम में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कुछ जिलों में रात में भी तापमान में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। निवाड़ी छतरपुर टीकमगढ़ और उमरिया में तेजी के साथ गर्म हवा के तापमान में इजाफा देखने को मिल सकता है। चक्रवाती तूफान गुजरात से तट से टकरा गया है, इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों पर पड़ेगा। और वहीं बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। शुक्रवार को मौसम विभाग की माने तो दी गई जानकारी के मुताबिक मानसून को पूर्वी भारत में आगे बढ़ने के में मदद मिलेगी। इसका कारण भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। फिलहाल मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में लू जैसी स्थिति निर्मित है, इन क्षेत्रों में बारिश का दौर शुरू होगा। 24 घंटे में मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश की चेतावनी जारी। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपरी दबाव नहीं बनने से मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं हुई है। इसके कारण 14 जून से मानसून की प्रगति धीमी हो गई है। अरब सागर में बने चक्रवाती के कारण मानसून प्रभावित हुआ है। मध्य प्रदेश में 22 से 25 जून के बीच मानसून की एंट्री देखी जा सकती है। इसी के साथ 18 से 21 जून के बीच कई क्षेत्रों में मानसून आगे बढ़ेगा, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। और 24 घंटे में मध्य प्रदेश कई क्षेत्रों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आइए अब जान लेते हैं किन किन जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई। चक्रवात प्रभाव में कमी आने के बाद ग्वालियर सहित उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में 18 और 19 जून को बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं जिन जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है उनमें भोपाल, भिंड, सीहोर, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, नीमच, मंदसौर, इंदौर, छिंदवाड़ा, जबलपुर, रतलाम, सागर, टीकमगढ़, दमोह, छतरपुर शामिल है। वहीं 20 और 21 जून को टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, रीवा, सतना में बारिश की चेतावनी, कहीं तेज बारिश देखने को मिल सकती है। मानसून की एंट्री भी इसी दौरान होने की संभावना जताई जा रही है। साउथ वेस्ट मध्य प्रदेश के इलाकों में शनिवार को बारिश की गति जो धीमी शुरू होगी, 18 को पश्चिमी इलाकों पर इसका असर देखने को मिल सकता है। इसी अपडेट के साथ बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें।